नमस्कार दोस्तों, रमन एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम चंडीगढ़। आज का हमारा विषय है नवम भाक्स, खाना नंबर 9। ये कुंडली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसको कर्म बोला जाता है, भाग्य बोला जाता है कि आपका भाग्य कब उदय होगा। भाग्य और कर्म, ये दो चीजें, और इसमें देखा जाता है कि पिछले जन्मों के आपके जो संचित कर्म है, अच्छे या बुरे हैं, उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। भाग्य स्थान के अंदर आपकी पत्नी की आयु, पत्नी का सुख और बहुत सारी चीजें काउंट की जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि भाग्य, देखिए हर बंदा भाग्य के पीछे भाग रहा है। हर बंदे को लगता है कि जिंदगी के अंदर सुख, वैभव, संपत्ति, मान सम्मान, इज्जत मिले, तो उसके लिए 9 नंबर खाना देखा जाता है कुंडली के अंदर। भाग्येश, अगर इसके अंदर बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो ये जान लीजिए कि आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, तभी आपको वो सौम्य ग्रह मिले हैं। अगर उसके अंदर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो आपको उनके फल बहुत घातक और बहुत ही बुरे परिणाम साबित होंगे। अगर आप कुंडली के बारे में मेरे से विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो माय नंबर इज 9876726492। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।